100 करोड़ की वसूली प्रकरण में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। इसके अलावा सीबीआई की अलग अलग टीमों ने पीपी किट पहनकर अनिल देशमुख के मुंबई और नागपुर स्थित आवास और कार्यालयों सहित 10 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी में नागपुर की टीम के हाथ एक काला बैग और एक पीली पोटली दिखाई दे रही है। आखिर इनमें क्या है जिसे सीबीआई की टीम संभाल कर ले जा रही है। सीबीआई के अधिकारियों ने आज सुबह मुंबई के नागपुर तक अनिल देशमुख के घर और कार्यालयों पर छापेमारी की। इसके अलावा राज्यभर में 10 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की गई। इनमें अनिल देशमुख के पीए का घर भी शामिल है। यह छापेमारी महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। इस संबंध में विचार विमर्श के लिए महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप भोसले पाटिल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के वर्षा बंगले पर पहुँच चुके हैं। पिछले 2.5 घंटे से दोनों के बीच बातचीत हो रही है। छापेमारी की शुरुआत मुंबई स्थित अनिल देशमुख के दो घरों ज्ञानेश्वरी बंगले और वर्ली स्थित सुखदा सोसाइटी की बिल्डिंग में स्थित फ्लैट से हुई और नागपुर के घर सहित करीब 10 से ज़्यादा ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू हो गई। सूत्रों के मुताबिक इस छापेमारी के बारे में स्थानीय पुलिस तक को खबर नहीं की गई। छापेमारी की खबर सुनते ही पुलिस ने अचानक घटनास्थलों पर पहुंचकर सुरक्षा बंदोबस्ती को बढ़ाया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक अनिल देशमुख नागपुर के घर में मौजूद हैं। उनके नागपुर सिविल लाइन परिसर में स्थित निवास स्थान पर सीबीआई ने छापा मारा है। सीबीआई टीम के सभी सदस्य पीपी किट पहने दिखाई दे रहे हैं। 7 से 8 अधिकारी देशमुख के घर पर पहुंचे हैं। कुछ सीबीआई अधिकारी अनिल देशमुख से पूछताछ कर रहे हैं। सीबीआई अधिकारी के हाथ एक काला बैग और 2 पीली रंग की पैकेट है। सीबीआई के छापों से पहले अनिल देशमुख आज सुबह रोज की तरह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि सीबीआई की टीम ने उनके घर पर छापा मारा है। उनका ड्राइवर रोज की तरह आज भी उनके वक्त पर ड्यूटी पर आया।